यहां का ईश्वरीय ज्ञान जन्म जन्मांतर का स्थूल धन बन जाएगा। द ईश्वरीय नॉलेज हियर विल बिकम फिजिकल वेल्थ फॉर मेनी बर्थ्स। क्या? व्हाट? जो यहाँ जितना ही ईश्वरीय ज्ञान को धारण करने वाला बनेगा उतना ही जन्म जन्मांतर का स्थूल धन का स्वामी बन जाएगा। द मोर समवन असिमिलेट्स द ईश्वरीय नॉलेज हियर द मोर ही विल ओन फिजिकल वेल्थ फॉर मेनी बर्थ्स। तो सबसे ज्यादा साहूकार कौन बनेंगे? सो हु विल बिकम द वेल्थीएस्ट? राम राजा राम प्रजा राम साहूकार। राम द किंग राम द सब्जेक्ट राम द वेल्दी मैन। वो सूर्यवंशी बच्चे जन्म जन्मांतर के साहूकार बनेंगे। दो सूर्यवंशी चिल्ड्रन विल बिकम वेल्दी फॉर मेनी बर्थ्स। हाँ अंतिम जन्म में तो नीचे गिरना ही होता है। Yes, they certainly fall in the last birth. उसमें भी बाप कहता है। Even in that, the father says, बच्चे, मेरा पार्ट तो अलग है। Children, my part is different. मैं तो सबका बाप हूँ। I am everyone's father. गरीबों का भी बाप। गरीबों का भी बाप हूँ। I am also the father of the poor. क्योंकि गरीब निवाज बनकर के मुझे आना है। Because I have to come as Garib Nivas. लेकिन अंतिम जन्म में भी तुम बच्चे मेरे से ज्यादा धनवान होते हो। However, even in the last birth, you children are wealthier than me. क्यों? Why? क्यों धनवान होते हो? Why are you wealthier? क्योंकि बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बच्चे बनते। It is because the children become instruments to reveal the father. बाप अपने आप अपने को प्रत्यक्ष नहीं करता। The father doesn't reveal himself. बच्चों को प्रत्यक्ष करने के लिए बाप निमित्त बनता है। The father becomes an instrument to reveal the children. लेकिन बाप को कौन प्रत्यक्ष करते? But who reveals the father? बच्चे प्रत्यक्ष करते। The children do. भले बाप अपना काम पहले कर लेता है बच्चों को पहले प्रत्यक्ष कर देता है लेकिन आखिरी तो बच्चों को प्रत्यक्ष वो बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए कोई कोई निमित्त बनते हैं ना। Although the father completes his task first and reveals the children first, some souls ultimately become the instruments to reveal the father, don't they? जो बच्चे निमित्त बनते हैं उनका उतना ही ऊंचा पद बन जाता है। The children who become instruments gain a high position to that extent.